किसी ने मुझे प्रश्न पूछा, आपका इस्कॉन को लेकर क्या मत है? मैंने कहा सबसे पहले कथा ही यहां से शुरू करी जाएगी आज, तो सुन लेना। एक बात फैल गई कि इस्कॉन की संस्था भारत से धन इकट्ठा करती है और विदेशों में भेजती है। महाराज, कई सारे महात्मा और भीतर के क्रमों से मैं जुड़ा हुआ हूं, और मैंने उसमें तो यह पाया कि यहां से बाहर ले जाने की बात छोड़िए, बल्कि इस्कॉन एक बहुत बड़ी ऐसी संस्था है जो दुनिया भर से बहुत अत्यधिक धन विविध माध्यमों से मंदिर आदि और सेवा आदि कार्यों के लिए भारत में लेकर आती है। महाराज, ये बात उल्टी है। एक यहां का बहुत बड़ा नियम है, क्योंकि बहुत सारे जीबीसी से मेरा परिचय है, कोई भी एक मंदिर दूसरे मंदिर को धन नहीं दे सकता। रायपुर के वैष्णव रायपुर के लिए ही सेवा इकट्ठी करते हैं और यहीं के लिए संबंध बनाएंगे। अगर मानिए राजनंदगांव में किसी को मंदिर बनाना है तो वहीं के वैष्णवों से सेवा एकत्रित करके बनाना होगा। इसलिए यह बिल्कुल घोर अफवाह है, वो व्यक्ति कुछ नहीं जानता, हम उसके सामने संस्था के व्यक्ति नहीं है, फिर भी किसी व्यक्ति से प्रार्थना करके इन साक्ष्यों को सामने रख सकते हैं, वो आके बैलेंस शीट चेक कर सकता है। ऐसा एक भी स्थान पर नहीं हुआ। इस देश का जो एक सबसे बड़ा मंदिर मायापुर की धरती पर बनने जा रहा है वैदिक प्लैनेटोरियम के नाम से, उसमें सबसे ज्यादा धन तो अमेरिका से ही इस देश में चल करके आया है। इस समय भारतवर्ष का जो सबसे बड़ा मंदिर निर्माणाधीन है मायापुर की धरती पर, जिस पर सबसे बड़ा धन वर्तमान में फोर्ड कंपनी के मालिक जिनका नाम अम्बरीश फोर्ड है, वो भी इस्कॉन के फॉलोअर है, मैं आप सबसे कहूं, जिन्होंने सबसे बड़ी धन दिया है, वहीं से चल करके इस देश में आया है। इसलिए यह बिल्कुल घोर अफवाह है।